नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में जब कभी कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारा शरीर कुछ खास लक्षणों को दिखाने लगता है, हमारे शरीर में कुछ लक्षण आने लगते हैं, कुछ साइंस आने लगते हैं। तो हम किस तरह से उन साइंस को पहचान कर, उन साइंस को देख कर, उन लक्षणों के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों की कमी हो रही है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे उन पोषक तत्वों को पूरी तरह से सही कर सकते हैं, उनकी सही मात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपके जोड़ों में क्रैकिंग साउंड आ रहा है, यानी कि चट 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 इस तरह की आवाज़ आ रही है जब भी आप उंगलियों को मोड़ते हैं, या गर्दन को इस तरह से आड़ा टेढ़ा करते हैं, या एकदम से चलना शुरू करते हैं, तो घुटनों में यदि इस तरह की चटकने की आवाज़ आती है, तो आप ये समझ लें कि आपको कैल्शियम की कमी है, और उस कैल्शियम की कमी को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि उसी कैल्शियम की कमी के कारण भविष्य में आपको आर्थराइटिस या घुटने घिस जाने जैसी समस्या हो सकती है। तो इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए कि कैल्शियम से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि दूध सबसे हेल्पफुल होता है, दूध में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, उसमें हमें पनीर खाना चाहिए, दूध से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, पनीर है, चीज़ है, इस तरह की हम चीज़ें खा सकते हैं। इसके साथ ही होम्योपैथिक एक मेडिसिन आती है जिसे कैल्केरिया कार्ब कहा जाता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है कैल्केरिया कार्ब। 200 पोटेंसी में 4 बूंद हफ्ते में एक बार ज़रूर लेना चाहिए, और उसके साथ ही कैल्केरिया फॉस 6x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना चाहिए। एक बात ज़रूर याद रखें दोस्तों कि कभी भी कैल्शियम के लिए जो सैंडोज वगैरह जो सप्लीमेंट आते हैं, कैल्शियम सैंडोज या जो बाहर की दवाइयां आती हैं, वो नहीं खाना चाहिए, उनसे हमारे शरीर को नुकसान ही होता है। ये होम्योपैथिक दवाइयां सेफ होती हैं, और अगर आप होम्योपैथिक दवाई नहीं भी खाना चाहते हैं, तो भुजा हुआ चूना थोड़ा सा दूध में मिलाकर या पानी में मिलाकर उसको सुबह खाली पेट पी लिया करें, आपकी जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कि यदि आपको बार बार छाले होने की शिकायत हो रही है, मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, मसूड़ों से आपको खून आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको विटामिन सी की कमी है, और विटामिन सी की कमी को पूरा करना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब विटामिन सी की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है दोस्तों, वो है कि आंवले का यूज़ किया जाए, सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ किया जाए, जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, और हम उस विटामिन सी की कमी को अपने शरीर में इन फलों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को एसिड फूड से या फिर खट्टी चीज़ें खाने से उनको एग्रवेशन हो जाता है, उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, वो इन चीज़ों को ना खाया करें। उनके लिए आंवला बेस्ट रहेगा, क्योंकि आंवला जो है वो किसी भी रूप में यूज़ किया जा सकता है, उसका जूस पिया जा सकता है, उसको पाउडर बना के यूज़ किया जा सकता है, उसका मुरब्बा बना के यूज़ किया जा सकता है, उसका अचार बना के यूज़ किया जा सकता है। तो आंवला वो लोग यूज़ बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आंवला एक जनरल इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, नाखूनों से खाल निकल रही है, और नाखून ब्रिटल होते चले जा रहे हैं, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, टूटते ज़्यादा हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में बायोटिन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, जिसके कारण आपको ये सारी समस्याएं हो रही हैं। इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, लैक्टोबेसिलस को हमारे शरीर में पहुंचाना। ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है, जो विटामिन B12 की सिंथेसिस में हमारी सहायता करता है। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है दही। जिन लोगों को इस तरह के सिम्टम है, उनको दही खाना चाहिए, और दही में वो लोग गुड़ मिला के भी खा सकते हैं, और एप्पल सिडार विनेगर यानी कि सेब के सिरके को मिलाकर भी खा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आपके शरीर में आपके जो नाखून हैं उनमें सफ़ेद लाइनें पड़ रही हैं, आप ये इसमें फोटो में देख सकते हैं, यदि सफ़ेद इस तरह की लाइनें आपको मिल रही हैं, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में जिंक की कमी है, और उस जिंक की कमी को पूरा करना ज़रूरी है। अब ये जिंक की कमी क्यों होती है? जिंक की कमी उन लोगों में होती है जो लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, केक्स खाते हैं, उन लोगों में जिंक का एब्जॉर्प्शन सही से बॉडी में नहीं होता है, और जिंक की उनमें कमी हो जाती है। तो जिंक की कमी को हमें दूर करना है, ताकि इस तरह के जो सिम्टम आ रहे हैं नाखूनों पे, जो सफ़ेद लाइन पड़ रही है, उसको दूर किया जा सके। जिंक की कमी के कारण पुरुषों में और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन में इम्बैलेंस होने लगता है, जिसके कारण पुरुषों में आपने देखा होगा दाढ़ी मूंछों की कमी होने लगती है,
दाढ़ी मूछें उनकी सही से नहीं आती हैं, उनके शरीर पे हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इम्बेलेंस हो जाता है पूरा, सेक्सुअल उनको प्रॉब्लम होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, नर्वसनेस होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये जिंक की कमी के कारण होते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि कई लोगों की एड़ियां बार बार फटती रहती हैं, उनको छाले बार बार होते हैं, कॉर्नर ऑफ द लिप्स यानी कि ये जो कोने होते हैं होठों के ये बार बार फट जाते हैं। इसका मतलब है कि उनको विटामिन B2 की कमी है और विटामिन B2 की कमी को उनमें दूर करना जरूरी है। ये पूरे में विटामिन बी ग्रुप के बारे में आपको इकट्ठी जानकारी इसके थोड़ी देर बाद इसमें दूंगा कि किस तरह से विटामिन बी की जो कमी है उसको पूर्ण किया जा सकता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो आँखें होती हैं वो स्थिर नहीं हो पाती हैं, नाखूनों पर काली लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन B1 की कमी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के नाखून ब्राउन हो जाते हैं, भूरे कलर के नाखून हो जाते हैं, उनका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। इसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के नाक पर सिर पर लाल निशान पड़ जाते हैं, ये विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। तो अब यदि बी ग्रुप का जो टोटल विटामिन है B1, B2, B6, B12 इनकी कमी को हम यदि देखें तो उसकी कमी के कारण स्किन में, बालों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, इन सब पर इफेक्ट पड़ता है, शरीर में थकावट होती है, मूड स्विंग होने लगता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो इसको दूर करने के लिए जो लोग जंक फूड खाते हैं उन्हें जंक फूड खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जंक फूड खाने से ही विटामिन बी की कमी हमारे शरीर में होने लगती है। यदि आपके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगता है, होठों का रंग सफेद पड़ने लगता है, गुलाबीपन उनका खत्म होने लगता है, और इसका मतलब ये है कि शरीर में आपको आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, और इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोहे की कढ़ाई में बनाए हुए खाने को खाना। लोहा सबसे अच्छा फैक्टर है, लोहा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शरीर में आयरन को बढ़ाने का, और उसमें खाना हमें कढ़ाई जो यूज़ करना चाहिए, जो बर्तन यूज़ करना चाहिए वो लोहे के हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें दूध को उबाल के उस दूध को पिया जा सकता है। इसके साथ ही हम गुड़ खा सकते हैं, गुड़ जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, गन्ने के रस को पिया जा सकता है, गन्ने का रस में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए होम्योपैथी में एक टैबलेट भी आती है, मैंने उसका एक वीडियो भी डाला हुआ है, जिसे फेरम फॉस कहा जाता है। फेरम फॉस का यूज़ 6x पोटेंसी में करना चाहिए, इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेकर आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिन लोगों के नाखूनों में खड़ी खड़ी लाइनें पड़ने लगती हैं, उनके आईब्रो के बाल झड़ने लगते हैं और आंखों में पफीनेस आने लगती है, तो ये सिम्टम होते हैं थायराइड की बीमारी के। थायराइड को ये लक्षण है और थायराइड को ठीक करना इन लोगों में ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आपके नाखून आड़े टेढ़े होने लगते हैं और आपको रात में कम दिखने लगता है, तो ये विटामिन ए की कमी है, और विटामिन ए की कमी होती है लीवर में इम्बेलेंस के कारण, लीवर में कंजेशन के कारण, जिसके कारण बाइल का जो सीक्रीशन होता है वो सही से नहीं हो पाता है, और विटामिन ए हम जो खाना खाते हैं उसमें ऐसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां भी खाते हैं, पालक भी खाते हैं, उनका खानपान भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसके बाद भी उनके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। उसका कारण यही है कि उनके शरीर में लिवर जो होता है वो विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पाता है, बाइल का सीक्रीशन सही से नहीं कर पाता है, जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसके लिए हमें दोस्तों उस प्रकार का खाना खाना चाहिए, जैसे बटर है, घी है, हमें अपने खाने में इनको ज़रूर शामिल करना चाहिए, ताकि विटामिन ए जो है वो एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, ताकि जो विटामिन ए है वो उसमें घुलने लगे और उसके साथ आपको विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन सही से होने लगे। इसके बाद दोस्तों यदि आपको बार बार क्रैम्प आते हैं, यानी कि स्पाज्म आ जाता है, चलने में आपको दिक्कत होने लगती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है, जिसके लिए आपको बादाम का यूज करना चाहिए। 4 बादाम सुबह, 4 दोपहर में, 4 शाम को जरूर खाना चाहिए। बादाम के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो तेल बाजार का तेल ना हो, घर पे निकला हुआ तेल हो, उसको दूध में मिलाकर पिया जा सकता है। विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स होता है बादाम का तेल, बादाम इनका यूज करना चाहिए ताकि विटामिन ई की कमी को पूर्ण किया जा सके। इसके बाद दोस्तों यदि आपकी जीभ सफेद पड़ रही है, बिल्कुल देखिए आप इस फोटो में, आप देखिए कितनी ज्यादा सफेद जीभ है, यदि आपकी जीभ इस तरह से सफेद पड़ रही है तो इसका 100% मतलब है कि आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है और उसके कारण आपकी जीभ पर यीस्ट की ग्रोथ हो रही है। उस ग्रोथ को
खत्म करने के लिए आपको अपने डाइजेशन को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसे एंटिम क्रूड बोला जाता है, 200 पोटेंसी में, दो बूंद सुबह दो बूंद शाम को कुछ दिन तक इसको लेने से डाइजेस्टिव ट्रबल्स भी ठीक हो जाती है और जीभ का जो सफेदपन है वो भी ठीक हो जाता है। आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा